एक तरफ लॉकडाउन के चलते मजदूरों की परेशानी बढ़ रही है और कोरोना वायरस फाइटर के रूप में काम करने वालों का सम्मान किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बेलगांव ग्राम पंचायत के सरपंच ने मनमानी करते हुए स्वच्छता कर्मी महिलाओं को काम से निकाल दिया है। स्वच्छता कर्मियों के सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। बेलगांव सरपंच ने स्वच्छता कर्मी महिलाओं को काम से निकाले जाने का मामला सामने आने से पीड़ित कर्मचारियों ने सरपंच पर दादागिरी का आरोप लगाया है। स्वच्छता कर्मियों ने सरपंच पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए प्रशासन से इसकी शिकायत की है। विकासखंड ग्राम पंचायत बेलगांव के सरपंच पर स्वच्छता कर्मियों ने भेदभाव का आरोप लगाते हुए कार्य से निकाल देने की बात कही। पीड़ित महिलाओं ने जनपद सीओ को दिए गए शिकायत पत्र में कहा है कि स्व सहायता समूह की महिलाएं जो विगत 4 वर्षों से ग्राम पंचायत बेलगांव में पंचायत की सफाई व्यवस्था के तहत नाली सफाई, कूड़ा सफाई आदि का कार्य कर रही थी, पंचायत चुनाव के निर्वाचन होते ही सरपंच छबिल साहू द्वारा हमें अकारण परेशान करना प्रारंभ कर दिया गया था। इस सब के बावजूद हमने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए समर्पित भाव से ग्राम पंचायत की स्वच्छता हेतु निरंतर कार्य किया, परंतु 13 अप्रैल को सरपंच द्वारा जातिगत भेदभाव करते हुए हमें काम से बेदखल कर दिया गया और अब अन्य व्यक्तियों को कार्य करवाया जा रहा है। हमारे समक्ष रोजी रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। स्वच्छता कर्मी महिलाओं में ललतीन बाई कुर्रे, शकुन बाई कुर्रे, केकतीन बाई चंदेल, मीनाबाई सोने ने संयुक्त रूप से सरपंच की शिकायत जनपद पंचायत के प्रमुख कार्यपालन अधिकारी जेके कतलाम से की है। वैसे सरपंच हमला काम में कार्रवाई से 8-15 दिन महीना दिन हम काम करें सर। लॉकडाउन चालू रही से फिर भी काम करें और काम वाम करके तहन एक दिन का हो से अपने छमर पर झूठा आरोप लगाए गए हैं। रोजगार सहायक कर फोन लगाई से तो मतलब काम में रख ले। अभी मोर गाड़ी है ईटा में और रेती में गाड़ी चला थी बोली से तो चला थे बोली से तो जब तक 2 हफ्ता रोजगार गारंटी कमा ले बोली तो हम चले गए सर रोजगार गारंटी कमाए बार तो बोलते अब हम मन हाँ काम ना छोड़ा दिस मतलब तो एक दिन हमार पता पड़ी दूसरा आदमी ती आली दो झनला तो पता पड़ी तो घर में गए हम मनो का तो कैसे कका ते का बार काम ला मतलब दूसरा रखी हाँ ऐसे करके तब वो हर बोलते नहीं बोलते मैं तो सरपंच बोलते मैं कुछ भी कर सकता हूँ बोलते लॉकडाउन चला थे और काम बंद हो गए परेशानी होते हाँ हमला बहुत परेशानी होते खाए पिए पर घलो परेशानी होते और ये काम तो हम 16 से करत हैं 4-5 साल हो गए हमला काम करत 5 साल से काम हाँ 5 साल हो गए सर हमला काम करता हूँ। हम स्वच्छता अभियान में भी जुड़े हैं स्वच्छता में मतलब हमला साड़ी वाड़ी भी मिले हैं तो स्वच्छता अभियान के तहत से हम काम करते रहे पंचायत का महिला कमांडो भी काम करते हाँ महिला कमांडो पहले रहे लेकिन अभी तो महिला कमांडो फिलहाल नहीं है लेकिन स्वच्छता अभियान हम चलात हन और जुड़े हुए हैं हम और स्वच्छता अभियान के तहत में हम मन काम करत रहे हैं तो वही का कर लेबे कैसे कर लेबे मैं सरपंच हूँ तो मैं कुछ भी कर सकूं बोलते हो करवाई को भी का बोलते तुम मतलब चैन नहीं आए का बोलते तो हमला का चीज के चैन नहीं आए तो बताइए सर सरपंच के भाई है ठीक है सर। वो चारों महिला रोजगार गारंटी में जा रहे काम कर रहे हैं। कितने साल से काम कर रहे थे? लगभग मेरे को मालूम नहीं पुराना पंचायत काम कर रहे थे 2.5-3 साल से बंदाज बता रहा हूँ है ना। और वो रोजगार में जाने के बाद मेरे पास सेकंड हाफ में हुआ है कि हम लोगों के यहाँ सफाई कर्मचारी में सफाई में काम लगा दो तो मैं बोला भाई दो एक साथ दो मजदूर नहीं भर सकता डबल काम लगा सकता बोले तो दूसरे दिन फिर वो उसी मोहल्ला के 19 समाज के साफ करवाने बुलाया था उसको तो दबाव देने लग गए कि हम लोग करते हैं तुम लोग क्यों कर रहे हो। उसके बाद फिर उसके साथ डंडा लेके चला गया उसके बाद हम लोग काम करेंगे तुम लोग मत करो करके बस यही बात है उसकी बात नहीं तो उनको बैठा दिए क्या बैठा लें क्या वो पंचायत स्तर में देखते हैं पंचायत में दस्तखत करेंगे चाहे पंचायत स्तर में प्रस्ताव लेकर के किसी कोई भी कर्मचारी हो चाहे